नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी बेलपत्र और बेल के बारे में जानते हैं, जो कि शिव जी को भी चढ़ाते हैं आप बेलपत्र। अभी श्रावण मास भी चल रहा है, जो कि शिव जी का प्रिय है। आइए आज हम ये जानते हैं कि इसके किन किन चीज़ों का प्रयोग हम किन किन बीमारियों में और किस प्रकार से करेंगे तो बीमारियों का समूल नाश कर देगा। सबसे पहले मधुमेह। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है आज के डेट में जिससे कि मैक्सिमम लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि 15 बेलपत्र जो कि शिव जी को चढ़ाते हैं और 5 काली मिर्च पीसकर चटनी बना लीजिए। 1 कप पानी में घोलकर इसे पीजिए। मधुमेह, पेशाब और रक्त में शक्कर आना ठीक हो जाता है। यह लंबे समय 1-2 साल लेने से अस्थायी रूप से मधुमेह ठीक हो जाएगा आपका। बेल में पाए जाने वाले कुछ एक पोषक तत्वों के बारे में भी हम जानते हैं। भोजन अंश 64 ग्राम, प्रोटीन 1.8 ग्राम, कैलोरीज 1.37 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम, खनिज लवण 1.7 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 31.8 ग्राम। इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होती है। अब हम जानते हैं कि अपच में कैसे इसका प्रयोग करेंगे। वायु और मल में बदबू आना अपच का निर्देशक लक्षण है। अगर आपको मल में और वायु में बदबू आती है, यानी कि आपका खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अपच के शिकार हैं आप। अपच होने पर एक बार का खाना छोड़ दें, यानी कि एक टाइम खाना नहीं खाएं। 20 पत्ते बेल के लेकर के उनको पीस करके निचोड़ कर रस निकाल लीजिए। इसमें 8 पीसी हुई काली मिर्च, जरा सा सेंधा नमक मिलाकर और इसे पी लीजिए। इस प्रकार 3 खुराक हर 3 घंटे के अंतराल से पीजिए, आपका अपच दूर हो जाएगा, इससे पाचन भी मजबूत होगा। अगर आपको दस्त लग रहा हो तो बेल का सूखा हुआ गूदा पीसकर 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम 2 बार ठंडे पानी से ले लीजिए, दस्त रुक जाएगा। अगर जल गया हो आपका कहीं पर तो जले हुए पर बेल का चूर्ण 1 चम्मच 2 चम्मच सरसों के तेल में मिलाकर गर्म करके जले हुए अंग पर लेप लगाइए, लाभ होगा आपको। आंव यानी कि मल पड़ना। बेल गिरी और आम की गुठली दोनों को समान मात्रा में पीसकर 1-1 चम्मच चावलों के माड़ से सुबह शाम फंकी लीजिए, आंव आना बंद हो जाएगा। अगर आप कब्ज के शिकार हैं तो 15 ग्राम बेल का गुदा और 15 ग्राम इमली दोनों को आधा गिलास पानी में मसल कर 1 कप दही और स्वाद के अनुसार चीनी मिक्स कर लीजिए, लस्सी बनाइए और पी जाइए। कब्ज दूर होकर पेट साफ हो जाएगा। बेल का शरबत तो अतड़ियों में जरा भी मल नहीं रहने देगा। इसके साथ साथ ये शक्तिवर्धक भी होता है। पके हुए बेल के गुदे को सुखा कर पीस कर हर रोज 1 चम्मच की फंकी रात को सोते समय गर्म दूध से लीजिए। 1-2 माह में देखेंगे कि शरीर और मस्तिष्क हिष्ट पुष्ट हो जाएगा आपका। कुकुर खांसी है अगर आपको तो 100 ग्राम बेल के पत्ते पीसकर लुगदी बनाकर 100 ग्राम घी में इस लुगदी को डालकर सेंकिए। सेंकते समय मंद मंद आँच से सेंकिए, ये ध्यान रखना है आपको। ढक्कन लगा करके सेकें जिससे गंध उड़ नहीं पाए। जब लुगदी जल जाए तब पीस कर चूर्ण बना लीजिए। चुटकी भर यह चूर्ण शहद मिलाकर सुबह शाम 2 बार चाटिए। कुकुर खांसी 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। रक्तवर्धक यानी कि रक्त बनाता है ये। बेल का गुदा सुखा कर पीस लीजिए। गर्म दूध में इसकी 2 चम्मच और स्वाद के अनुसार पीसी हुई मिश्री मिलाकर रात को पीजिए। यह अच्छा रक्तवर्धक टॉनिक है। रक्त शोधक भी है ये। बेल का चूर्ण और देशी बूरा यानी कि चीनी समान मात्रा में मिलाकर पानी से फंकी लीजिए, आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा। अगर आप पेचिश के शिकार हैं तो सूखी हुई बेल, धनिया समान मात्रा में पीस लीजिए और इसकी दुगनी मात्रा में पीसी हुई मिश्री मिला लीजिए। इसकी 1 चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी से फंकी लीजिए, दस्तों में रक्त आना बंद हो जाएगा, यानी कि बवासीर में लाभ होगा आपको। इसके अलावा एक और अन्य प्रयोग भी है इसके लिए। बेल का सूखा हुआ गुदा और सौंफ दोनों को 15-15 ग्राम, सौंठ 8 ग्राम,
इन सबको पीस कर एक गिलास में मिक्स करके उबाल लीजिए। आधा पानी रहने पर इसको छान करके पीजिए। ऐसा दो खुराक रोजाना सुबह शाम लीजिए। मल में अगर ब्लड आ रहा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। गर्भावस्था में उल्टी दस्त हो तो बेल का गुदा 5-5 ग्राम दिन में 3 बार हर रोज खाइए, आपको लाभ होगा। यकृत में दर्द हो तो बेल के ताज़ा पत्तों का रस 2 चम्मच में जरा सा सेंधा नमक मिलाकर हर रोज 3 बार पीजिए, यकृत ठीक हो जाएगा। अगर हड्डियाँ टूट गई हों तो 2 आधा चम्मच पीसी हुई हल्दी और 1 चौथाई चम्मच घी 1 गिलास में घोलकर सुबह शाम 2 बार रोज पीजिए। इससे हड्डी जुड़ जाती है और हड्डियों को मजबूती मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।